Good morning, students. How are you? I hope you are fine. I am Rimna, your maths teacher. बेटा आज हम अपनी इनिंग्स 13.1 को ही कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है? डेसिमल्स के बारे में, ठीक है? हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है? Write the following decimals. ये हमें गिवन है क्वेश्चन 0.421. ये हमें वर्ड्स में है दिया हुआ, ठीक है? तो हमने इसको डेसिमल में लिखना, मींस कि मैथ्स की लैंग्वेज में लिखना, 1, 2, 3, 4 में जैसे भी हमें लिखा है वैसे हमने लिख देना है. 0. लिखो 0.421, आंसर आ गया. इजी है ना, है ना? तो जो लिखा हुआ है वही हमने बस यहां पे लिख देना है. 0.421. 0 का मतलब आपने डेसिमल लगाना है, ठीक है? पॉइंट भी बोलते हैं, डेसिमल भी बोलते हैं. आपकी बुक में पॉइंट लिखा है तो आपने यहाँ पे पॉइंट लगा देना, 421, ठीक है? नेक्स्ट देखो, पहले एच पॉइंट देखो, 73.1. आप भी लिखो 73.1. ओके, नेक्स्ट 100 लिखो फिर आप 100.001. जो जो बोल रहे हैं वो हम लिख रहे हैं 001. इजी है ना. 100.001. 73.1. अबाउ डी और ई पार्ट में 3/10 स्पेलिंग समझो. TENTHS tens, then 8000 नहीं है, thousands, THS. ये difference है इन दोनों questions में. तो मैंने कल आपको बताया था कि अगर हम place value की discuss करें, जैसे कि 3 है, ये ones place पे है, 7 है, ये tens place पे है, बट जो decimal के इधर होते हैं इनकी place ones से start नहीं होती, इनकी place start होती है टेंथ. जो वन है वो टेंथ प्लेस पे है. अगर यहाँ पे कोई और नंबर होता टेंथ के बाद आता है 100 एंड देन थाउजेंड्स. टेंथ, हंड्रेड्स, देन थाउजेंड्स, ठीक है? अब देखो 3/10 की बात हो रही है, इट मीन्स ये जो नंबर है ये डेसिमल के पीछे वाला नंबर है, पहले वाला नंबर नहीं है, पहले कुछ है ही नहीं. तो इट मीन्स हम जब कुछ नहीं होता तो हम लगा लेते हैं 0.10. वंस प्लेस तो होती नहीं है, 0.3, ठीक है? तो क्योंकि डेसिमल के बाद फर्स्ट प्लेस जो आती है वो टेंथ वाली ही आती है. तो क्या आ गया आपका आंसर 0.3. देन यहां पे है 8000, पहले कुछ नहीं है, 0.1000, ना टेंथ है ना हंड्रेड है. टेंथ की हंड्रेड जीरो, हंड्रेड्स की जीरो, थाउजेंड कितने हैं 8. टेंस, हंड्रेड्स एंड देन थाउजेंड. अगर आप लिखते हो 0.8 तो क्या बनेगा, वो 8 टेंस बन जाएगा, क्योंकि वो टेंस प्लेस पे हो जाएगा. ये दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान से देखना, ठीक है? टेंस और हंड्रेड, इट मीन्स हम डेसिमल के पीछे वाले नंबर की बात कर रहे हैं, उससे पहले कोई नंबर नहीं है. सो वी कैन राइट डाउन हियर 0. ओके, सो ये आपने दोनों ध्यान से करने हैं. यहाँ पे टेंथ प्लेस है तो ये फर्स्ट नंबर पे थाउजेंड्स है, दिस इज टेंथ, देन हंड्रेड्स एंड देन थाउजेंड्स. टेंथ और हंड्रेड्स मिसिंग है तो हमने यहाँ पे लगा लिया 0. ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3. राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन फ्रैक्शनल फॉर्म. अब जो भी हमें डेसिमल गिवन है इसको हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है. बहुत इजी है, देखो जो भी नंबर हमें गिवन है 9.04, इसको मैंने लिखा, फिर मैं क्या करूंगी, इस डेसिमल को हटाऊंगी, यहाँ पे एक लाइन लगाऊंगी फ्रैक्शन बनाने के लिए. डेसिमल की जगह पे 1, डेसिमल को उड़ा देंगे, डेसिमल की जगह पे 1, और डेसिमल के पीछे कितने नंबर है 0 और 4, उनकी जगह पे 0. ओके, डेसिमल की जगह पे हमने 1 लगाना है और उसके पीछे जितने भी नंबर होंगे उतनी हमने 0 लगा देनी है इन डिनोमिनेटर. ओके, जैसे ये है 0.003,
फ्रैक्शन के लिए लाइन लगा ली। अब इस डेसिमल को मैं हटा दूंगी, डेसिमल की जगह पे वन, और पीछे कितने जीरो थे डेसिमल के बाद, वन टू थ्री, थ्री नंबर थे तो हम थ्री जीरो लगाएंगे, वन टू थ्री, ठीक है। बट ये देखो बेटा आगे वाले जीरो है, जो थ्री के आगे जीरो है, इनका कोई मतलब नहीं बन रहा है, तो हम सीधा लिख सकते हैं थ्री अपॉन वन थाउजेंड। ओके, अब इसमें बताओ 0.89 डेसिमल तो हमने हटा देना है, तो 89 के नीचे 1, और डेसिमल के बाद दो नंबर है 8 और 9, तो नीचे क्या आ जाएगा 100। ओके, देन 13.301 सारा डेसिमल हटा देंगे हम, नीचे 1 लगाएंगे अपने मन से, और पीछे कितने नंबर है डेसिमल के बाद, एक 3 है, एक 0 है, और एक 1 है, तीन नंबर है, तो नीचे हम 3 0 लगा, आंसर आ गया। ओके,